लाइन फोल्ड करेगा ना और ये स्मेल करवाएगा, तो सही में आपको खाने का मन करेगा। Hi everyone, so I just received a parcel from Nykaa, so I thought of unboxing it with you guys. To be very honest, ये ऊपर वाला माला मैंने खोल दिया था, फिर बीच में याद आया कि इसको ऑन कैमरा अनबॉक्स किया जाए आप लोगों के साथ. सो चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले है ये Nykaa Naturals का सैंडलवुड एंड ऑरेंज पील फेस वॉश. Nykaa Naturals का मैंने नीम वाला और हनी वाला दोनों यूज़ किया है और दोनों ही कमाल के फेस वॉश है, बट ये वाला मैं पहली बार यूज़ करने वाली हूँ. सो चलो मूविंग ऑन. ओके, नेक्स्ट है ये डॉट एंड की का लिप पॉलिश एक्सफोलिएटिंग शुगर स्क्रब.
मैंने आज से पहले लिप स्क्रब कभी भी यूज़ नहीं किया है, ये पहली बार मैं लिप स्क्रब यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि आई हैव पिगमेंटेड लिप्स, तो आई होप ये अपना काम अच्छे से करें एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यूजिंग दिस। सो ओके, दिस वन माई फेवरेट है, ये है एम कैफीन का मिल्की ब्लू कॉफ़ी फेस स्क्रब। ये एक्चुअली मैंने अपनी सिस्टर को यूज़ करते हुए देखा था और उनको तो बहुत अच्छे से ये सूट हो रहा है। वन ऑफ द मेजर रीजंस मैंने ये क्यों ऑर्डर किया है इसके स्मेल की वजह से, बिकॉज अगर कोई आपको ब्लाइंड फोल्ड करेगा ना और ये स्मेल करवाएगा तो सही में आपको खाने का मन करेगा, क्योंकि दिस जस्ट स्मेल्स लाइक कॉफ़ी एंड इट्स सो गुड यार, नहीं बोल सकती मैं शब्दों में। ओके, नेक्स्ट अप है ये मामा अर्थ का विटामिन सी अल्ट्रा लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। सो दिस वन आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 2 years नाउ एंड दिस रियली गोज वेल विद माई स्किन बिकॉज आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स ट्राई करने के बाद ये मिला है और ये मुझे काफ़ी सूट करता है। तो अगर आपका भी कॉम्बिनेशन स्किन है तो यू कैन श्योरली गिव इट अ ट्राई। ओके, बस ये है। अच्छा, अब ये है लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, ये 3 फेस मास्क, बस यही है। ये जब ईयर स्टार्ट हुआ था मैंने एक रेजोल्यूशन बनाया था कि इस साल मैं अपनी हेल्थ और अपनी स्किन दोनों को प्रायोरिटाइज करूँगी। हेल्थ को एज इन की क्लीन खाऊंगी और वेट मैनेज करूंगी और हेल्दी रहूंगी, बट कभी कभी जैसे हो नहीं पाता है, ये तो बहाने ही है, बट कभी कभी हो नहीं पाता। आप जितना भी सोचो कोई चीज़ करने को बट यू एंड अप यू नो चूजिंग द सेम पाथ। सो मेरे साथ भी यही हुआ, बट अब नहीं, बहुत हो चुका है, अब हम सब कुछ करेंगे, अब हम हर चीज़ को प्रायोरिटाइज करेंगे, अपनी हेल्थ को और मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड एवरी सिंगल थिंग। तो यही था छोटा सा मेरा नायका हॉल, इसके लिए इतना वेट किया, लोग शोर मचा रहे थे, बट चलो इवेंचुअली हो गया एंड आई होप यू लाइक दिस। इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, शेयर, कॉमेंट एंड या बाय, गुड नाइट, बाय एवरीवन।